हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका स्माइली व्लॉग्स में। टाइम हो गया है 5, सुबह के 5 बज चुके हैं और आज से बच्चों के स्कूल का टाइम भी चेंज हो गया, इसलिए सुबह मेरे को भी जल्दी उठना पड़ेगा। बच्चों का टाइम हो गया स्कूल का 7 से 12, क्योंकि ऊपर से गवर्नमेंट के निर्देश है कि सुबह 7 बजे और दोपहर को 12 बजे बच्चों के लिए छुट्टी हो जाया करेगी, क्योंकि गर्मी बहुत है। इस वजह से वैसे सही भी है एक तरह से, क्योंकि गर्मी ही बहुत ज़्यादा है और इस वजह से भी बच्चों की तबीयत ना खराब हो जाए, तो सरकार ने ये निर्देश जारी किए हैं सभी स्कूलों के लिए। अभी बना रही हूँ चाय पीने के बाद बच्चों को उठाऊँगी और फिर, क्योंकि फिर इनको भी सुबह जल्दी उठाना पड़ेगा। वैसे तो 6:30, 6:30, 7:30 उठाती थी, अब इनको 5:30 उठाना पड़ेगा, इसलिए पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद इनको उठाऊँगी। अभी तो सो रहे हैं। चाय बन गई है भाई, ये लोग बाहर बैठ कर पियेंगे क्योंकि अंदर थोड़ी सफोकेशन सी हो जाती है, इसलिए बाहर का थोड़ा मौसम ठीक रहता है। टाइम हो गया 5:30, अब उठा भाई बच्चों को, क्योंकि फिर बच्चों को भी जल्दी उठना पड़ेगा। मन्नत, मन्नत, गुड मॉर्निंग, उठो, चलो फटाफट, चल बेटा आज पहले नहा ले, उसके बाद हैप्पी नहा लेगा, चल आओ, आजा आजा आजा, आ बेटे आइए, सुस्ती उतार ले बेटे जल्दी, हाँ अच्छा, चलो भाई बच्चे दोनों तैयार हो गए हैं, हैप्पी तैयार होने लग रहा है। मन्नत अंदर कपड़े पहन रही है, दोनों नहा चुके हैं और अब इनके लिए तब से पूछे जा रही हूँ मैं, भाई नाश्ते में क्या लोगे क्या लोगे, इन्होंने मेरे को कोई जवाब नहीं दिया दोनों में से किसी ने भी कि ये नाश्ते में क्या लेंगे, कोई सा अभी कुछ नहीं बता रहा कि नाश्ते में क्या लेंगे। मन्नत का स्टे बैक है स्कूल में, इसलिए मन्नत को तो मैं लंच पैक करके दूंगी, हैप्पी लंच लेके नहीं जा रहा क्योंकि वो लंच टाइम में इनकी छुट्टी हो जाएगी 12 बजे, इसलिए। और स्वीट्स वगैरह वैसे मैंने काट दिए, अभी इनसे पूछ रही हूँ नाश्ते की भी, नाश्ते में तुम लोगों ने क्या लेना है, बट वो अभी बता नहीं रहे हैं, अभी पूछती हूँ एक बार और। आज हैप्पी पहले ना लिया तो आज हैप्पी पहले पूजा कर रहा है, मन्नत बाद में करेगी, हैप्पी लग गया अब पूजा करने, मन्नत अभी रेडी हुई नहीं है, रहती है अभी, वो रहती है अभी वो कर रही है। मन्नत क्या लेगी बेटा नाश्ते में? मम्मी या तो कॉल गोभी या स्वीट लस्सी। अच्छा है, ठीक है, मन्नत के एज यूजुअल वही दो ऑप्शन, या तो कोल्ड गोभी या फिर मीठी लस्सी, तो देखती हूँ क्या बनाती हूँ उसके लिए मैं, पहले के बाद इसका लंच पैक कर दूँ मन्नत का, क्योंकि मन्नत लेके जाएगी लंच। ये हैप्पी का नाश्ता तैयार हो गया भाई, जिसने लिया वनीला शेक और साथ में परांठा, ले ले बेटा चकले फटे, और हस्बैंड ने, आज हस्बैंड ने भी सुबह सुबह नाश्ता कर लिया, परांठे देख कर बंद कर गया खाने का। या मन्नत की कोल्ड कॉफ़ी भी तैयार हो गई, क्योंकि मन्नत को आज फिर कोल्ड कॉफ़ी चाहिए थी, तो ये इसकी कोल्ड कॉफ़ी तैयार हो गई, अभी पीगी बाहर बैठ के फ़ोन के साथ, ठीक है, मतलब सुबह उठते ही बच्चों को फ़ोन चाहिए। आज हैप्पी ने तो छोड़ रखा खाना खाते टाइम ना, हैप्पी भी लेता था, आज उसने चार्जिंग पर लगा रखा है इसका फ़ोन, क्योंकि ये पहले ले चुका है। बच्चे गए स्कूल भाई और मैं लगाऊंगी आज मशीन, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हुए हैं, कल थर्सडे है, थर्सडे को मैं कपड़े नहीं धोती हूँ, तो बस अभी मशीन लगाऊंगी, उसके बाद करूंगी झाड़ू पोछा मशीन लगा के। कपड़े सही में इतने ज़्यादा धुले हैं मेरे घर में, तो बहुत ज़्यादा कपड़े धुलते हैं, मशीन लगा के बाकी का काम करूँगी फिर। चलो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। कपड़े भाई ऑलमोस्ट धुल चुके हैं, बना रही हूँ सब्जी, सब्जी बनाऊंगी,
टिंडे की आई मीन चप्पल कद्दू की, और क्योंकि बच्चों ने आज लंच लेके नहीं जाना था, बच्चों ने आना है 12 बजे, वो लंच आके करेंगे, इसलिए अब बना रही हूँ सब्जी। सुबह वो नाश्ता करके इधर दूध, अभी दूध ही आया था, दूध गर्म होने के लिए रख दिया, जब तक सब्जी बना देती हूँ, और बाकी का काम चल ही रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है। लो भी मैं ली हूँ ना, ही मैं बनाऊँगी अपना खाना, क्योंकि आज मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया था और सबने नाश्ता कर लिया था, तो हस्बैंड खाएंगे बच्चों के आने के बाद, बच्चे आएंगे 12 बजे आज स्कूल से, मन्नत का शायद स्टे बैक है, हैप्पी हैप्पी आएगा 12 बजे, तो जब तक मैं अपना खाना बना लेती हूँ उसके बाद ये खाना खाएँगे बाद में, तो इनका बनेगा बाद में, पहले मैं बना के खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे सच में बहुत जोर की भूख लगी हुई है और काफ़ी देर से होता है कुछ खा लूँ। थोड़ा सा फ्रूट खाया था मैंने, मस्त मेलन, वो थोड़ा सा ही था, ज़्यादा नहीं था, मतलब मॉर्निंग में मैं नाश्ता करती उठती हूँ यूजली, बट आज मैंने नहीं किया नाश्ता, तो सब मैं खाना ही बनाऊँगी, मैं खाना ही खा लेती हूँ। दो फुलके सब्जी मैंने बनाई दी थी, आटा लगा के रखा ही हुआ है, दो फुलके बनाने, बस खाना बना लो पहले एक बार। मैंने खाना बना लिया भाई अपना, टिंडे की सब्जी बनाई थी, आज रोटी है, और मेरे हस्बैंड खा रहे हैं दलिया अगेन, क्योंकि वो दलिया लवर हैं इसलिए वो दलिया खा रहे हैं, और मेरी टिंडे की सूखी सब्जी है, लस्सी है, रोटी है, इनके साथ मैं खा रही हूँ खाना, और साथ साथ देखूँगी मैं टीवी कोई अच्छी सी मूवी, क्योंकि बच्चों के आने के बाद वो देख नहीं देते टीवी, उन्हीं की लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होती, तो एक बार खाना खा लो, मिलते हैं फिर। बच्चे आ गए हैं भाई स्कूल से, अब बनाऊंगी उनका खाना, वो लंच करेंगे, अभी दोनों जने नहा रहे हैं, मन्नत अंदर वाले बाथरूम में, हैप्पी बाहर वाले में, दोनों नहा रहे हैं, उनके नहाने जब तक मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ, खाना बना देती हूँ तब तक उनका फुलके फुलके बनाने हैं, आटा तो मैंने लगा के रख ही दिया था सुबह ही, तो मैंने तो खा ही ली थी, अभी यही रहते हैं बच्चे और बच्चों के पापा, तो अभी इनको खाना खुना दे के फिर थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, क्योंकि फिर मेरे भी बच्चे ट्यूशन वाले आ जाते हैं 3 बजे, इसलिए एक बार बना लेती हूँ खाना। नहीं ब्लू का क्या था फिर मेरे पीछे है, देख मैंने छोड़ दे अभी तमीज़ सा, यो कॉम्बिनेशन देख लो इसका, कौन पागल हो है जो सॉस और लस्सी और सब्जी ले आकर, यो पागल, ये मन्नत ना खा भाई, ठीक है मन्नत ले भाई ना खाना खा ले, ज्यादा लस्सी डाल ले अपनी, ये मन्नत लग गई है खाना खाने, और मन्नत ने लिए मीठी लस्सी, आम का अचार और रोटियां। मैं कह रही थी ना अभी मेरे घर में जितने मेंबर सबकी अलग अलग डिमांड होती है खाना खाने की, कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है, इसीलिए मेरा काम ही नहीं खत्म हो पाता है। सबने खाना खा लिया है, सबका लंच हो गया है, अभी थोड़ी सी देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद बच्चों को पढ़ाना है, फिर इनका भी स्टडी टाइम हो जाएगा, चलो रेस्ट कर लेते थोड़ी सी देर, उसके बाद मिलते हैं। मौसम हो गया एकदम से ख़राब, बारिश आने वाली हो रही है बिल्कुल ही, और आ ही गई है वैसे ऑलमोस्ट, हमने भाग भाग के मैंने और एपी ने कपड़े सारे अंदर करे, और मैं सो रही थी मैं एकदम से उठी और भाग के मैंने सारे कपड़े अंदर करे और एपी ने,
मैंने देखा कि बारिश आने वाली हो रही है, एकदम से आंधी आ रही है, जोरों से बूंदे आनी शुरू हो गई है। वैसे कई दिन से गर्मी का बहुत ज्यादा मौसम हो रहा था, जैसे कि देख रहे हैं आप बादल हुए हुए हैं, मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया है एकदम से। बारिश आ रही है भाई, ज्यादा जोर से तो नहीं कह सकते, जिस जोर से मतलब आंधी तूफान था उस जोर से बारिश तो नहीं, बट बारिश आ रही है। ये कि गर्मी से लग जाएगी थोड़ी सी राहत मिलेगी, देखते हैं। बट आज कपड़े धोए थे भाई, एकदम से फिर बीच में आंधी उंधी सी आ गई, बारिश आ गई, बच्चों की यूनिफॉर्म और ये धोई थी, अब ये उतार कर लेके आई थी इनको, प्रेस तो करूँगी, बाकी ये कपड़े प्रेस वाले का भिजवाऊँगी, और जो मैंने बगैर प्रेस के हैं उनके तय वगैरह करके रखूँगी। काम इतने हो जाए हैं, एक आंधी तूफान आकर सब क्या है कम मड़ी अब वो कर जाए बिल्कुल ही। मेरा हो गया इवनिंग वॉक का टाइम, तो अभी मैं जा रही हूँ इवनिंग वॉक पे, हस्बैंड गए हैं कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने, बच्चों के लिए फ्रूट्स ख़त्म हो गए थे, बच्चे बाहर गली में खेल रहे हैं और मैं अभी वॉक के लिए जा रही हूँ, मेरी फ्रेंड आने वाली हो रही है, बच्चे खड़े हुए हैं वहाँ पे, उनके फ्रेंड्स खड़े हुए हैं। ये देखो ये मेरा स्पेशल बेटा जो हमेशा मेरे पैर छू के जाता है। मैं आई हूँ आगे भी वॉक करके, अभी मैं मेरा आज मन है नमकीन चावल खाने का, तो मैं अपने लिए नमकीन चावल बनाऊंगी, इनके बच्चे बोले कि हम आलू मटर की सब्जी खाएंगे, तो उनके लिए आलू मटर की करी वाली सब्जी बनाऊंगी, अपने लिए नमकीन चावल बनाऊंगी। एक बार डिनर की तैयारी कर लूँ उसके बाद मिलती हूँ भाई। अब कर रही हूँ डिनर की तैयारी, ऑलमोस्ट सब हो चुका है, आटा लगा दिया है मैंने, बनाए हैं अपने नमकीन चावल मेथी ही, और एप्पी भी ले सकते हैं थोड़े से, उनकी सब्जी है वो सब्जी के साथ खाएंगे, और वैसे नमकीन चावल उसके फेवरेट हैं, उसके साथ साथ मेरे भी, पर वो सब्जी के साथ ही लेगा रोटी, चावल कम ही लेगा। आज चावल मैंने यही सोच के बनाएंगे, सिर्फ मैं ही खाऊंगी क्योंकि और कोई खाता ही नहीं मेरे घर में नमकीन चावल, दाल चावल कड़ी चावल ये तो खा लेते हैं, नमकीन चावल सिर्फ मैं रेपी खाते हैं। रोटी बना दो, खाना खाने के बाद फिर मिलते हैं। डिनर हमारा हो गया है भाई, मन्नत क्या है अभी पता नहीं स्टमक में क्या हो गया, कहती है स्टमक में पेन है तो इसने डिनर नहीं किया, तो इसका आइसक्रीम खाने का मन है। अब जा रहे हैं मिनी मार्ट पे, यही है एक मिनी मार्ट, आई होप वो खुला मिले, अगर वो खुला मिल गया तो इसको आइसक्रीम दिलवा के लेके आऊँगी, देखते हैं अगर खुला मिल गया तो। सो गाइज हम ले आए आइसक्रीम, आज आइसक्रीम हमारे पास क्या नहीं थे ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि मिनी मार्ट था जो बंद होने वाला था, और लास्ट मोमेंट पे हमें आइसक्रीम मिल गई और हमें बहुत खुशी हुई है, जैसे कि फाइनली मिल तो गई ना, एटलीस्ट फाइनली मिल गई। और व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड, थैंक यू सो मच वॉचिंग माई व्लॉग्स, और लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं, गुड नाइट।